हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा सामान है जो मैंने मंगाया है हबी जी से और ले आए हैं। जो भी बताया था वो सारा सामान आ गया है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारा सामान आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा सामान मैंने मंगाया है। कुछ डिशेस मैं बनाने वाली हूँ, उनके लिए मैंने ये सारा सामान मंगाया है। और डिशेस मैं क्यों बनाने वाली हूँ और मैंने ये सारा सामान और मैं सारी प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाली हैं हमारी सोनी बाजी। तो वो आ रही हैं और उनके आने की खुशी में मैं ये सारी तैयारियाँ मैं पहले से करके रख ले रही हूँ, ताकि जब सोनी बाजी आएंगी तो हम लोग फ्री फ्री रहेंगे हम दोनों, और ताकि उनसे ढेर सारी बातें कर सकें और उनके साथ इंजॉय कर सकें। तो फ़िलहाल मैं सब कुछ रेडी करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ, हमारा आ रहा है मोहम्मद जुनीद खान, और बहुत प्यारा है वो, बहुत क्यूट सा है। तो मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ यहाँ पर शाही पनीर। तो मैंने मंगाया है आधा किलो पनीर और दही मंगाया है मैंने आधा किलो, क्योंकि मैं और भी डिश बनाऊँगी उसमें मुझे दही की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान मंगाया है, पहले से सब कुछ मैं रेडी करके रखूँगी ताकि मुझे लेट ना हो। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, सारे कामों को, सारी तैयारियों को पहले ही कर लेती हूँ। मेरे जो भी गेस्ट आते हैं या मेरी नंदे आती हैं, मैं पहले से सब कुछ तैयार करके रखती हूँ ताकि मुझे लेट ना हो और मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर सकूँ। इसलिए तो यहाँ पर जो मुझे चाहिए था वो सामान है। तो ये यहाँ पर मैंने मंगाया है हरा धनिया, इसे हम लोग साफ़ करके रखेंगे मैं और छोटी दुल्हन। और मंगाया है अदरक, और लहसुन तो हमारा छिल ही गया था, लेकिन फ्रेंड्स अदरक जो है वो थोड़ा सा कम था तो वो मैंने मंगाया है। और यहाँ पर मैंने मंगाए हैं टमाटर, और ये टोस्ट हैं, ये टोस्ट के पैकेट्स लेकर आए हैं ये, क्योंकि टोस्ट भी हमारे ख़त्म हो गए थे वो हैं। और यहाँ पर ये है गन्ने का जूस, हम सभी लोगों के लिए आया है। और यहाँ पर लाए हैं हवी जी अनार हम लोगों के लिए, कि भाई इसका जूस बनाना और पीना, क्योंकि हम लोग ने वैक्सीन लगवाई है तो इसलिए ये ज़रा हमारा ख्याल रख रहे हैं, वही ख्याल रखना बनता है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर लाए हैं ये लोग 2.5 किलो आम हैं और आलू हैं। और मैंने मंगाया है चिकन 2 किलो, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन और बिरयानी बनाने वाली हूँ चिकन की, तो वो मैं बनाऊँगी। और रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ चिकन बिरयानी की, और शायद बटर चिकन मैंने शायद नहीं शेयर किया है, तो कोई नहीं, अभी आप देख लेना। और यहाँ पर ये सारा सामान मेरा जो है वो हम रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पनीर और ये रहा दही और ये है चिकन, इसे मैंने अभी ओपन नहीं किया है, मैं इसे वॉश करूँगी तभी ओपन करूँगी। और ये आलू हैं, इन्हें हम फ्रिज में रखेंगे। और ये अनार हैं हमारे जूस के लिए, मैं और छोटी दुल्हन दोनों इसका जूस पियेंगे। और यहाँ पर ये आम हैं, अभी मैं सबको दूंगी, इन्हें धोकर फ्रिज में रखेंगे, ठंडे होने पर सबको दूंगी। और ये हैं टोस्ट, टोस्ट तो भैया हमें रोज़ लगते हैं, मुझे भी लगते हैं और बच्चों को भी और हमारी छोटी दुल्हन भी, हम लोग सभी लोग टोस्ट पसंद करते हैं। और ये टमाटर हैं, बढ़िया लेकर आए हैं, एकदम लाल लाल, और मतलब रखने वाले हैं, थोड़े से गद्दर हैं। और ये रहा हमारा गन्ने का जूस जो अभी हम पियेंगे ठंडा ठंडा, और ये हरा धनिया। और फ्रेंड्स, फिलहाल हमारी सोनी बाजी आ रही हैं, तो इन्जॉय करिएगा। और दिखाऊंगी मैं कि जो भी मेरी तैयारी है और जो भी चल रहा है। और सोनी बाजी क्यों आ रही हैं फ्रेंड्स? सोनी बाजी आ रही हैं मेरे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बस इसलिए वो आ रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख रही हूँ। तो अदरक जो है वो थोड़ा सा छिल चुका था, थोड़ा सा और मैंने छील लिया है। और यहाँ पर यह हरा धनिया, इसे साफ कर कर वॉश कर लिया है। तो ये अभी जो मैं पेस्ट बनाकर रखूंगी तो बस वही कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे कामों की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। तो सबसे पहले मुझे मेन गेट का ताला खोलना होता है, तो वो मैंने खोल दिया है और मैं आ चुकी हूँ गार्डन में। तो यहाँ पर ये पौधों पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो बस वही मैं पौधों को धो रही हूँ अच्छी तरह से पानी डालकर। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस पौधों में पानी देते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पर आंगन में, और आंगन में मैं अच्छी तरह से पानी डालूंगी और उसके बाद में मैं इसको धो दूंगी। तो बस यहाँ पर ये जो गाड़ी है हमारी, इसे भी मुझे वॉश करना है क्योंकि ये जाने वाले हैं अप्पी को लेने। तो बस वही, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे ये काम चल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से वाइफर से इसको सूख दूंगी, तो जल्दी से क्या है पानी जो है ना वो सूख जाएगा फ्रेंड्स। तो बस फिर उसके बाद में, नहीं तो बच्चे बार बार पानी में पैर ले लेकर आते हैं और जूते चप्पल से सारा गंदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ शाही पनीर, तो उसके लिए मैं रखूँगी टमाटर को बॉईल होने के लिए, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो ये देखिए ऐसा कैसा मैं इसमें रख दूँगी, और यहाँ पर इस तरह से मैं कट लगाऊँगी, इससे छीलना जब है हमें तब वो इजी हो जाएगा छीलना। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको पानी में रखती जाऊँगी, और पानी मैंने पहले से ही बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बस 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पर टमाटर को जो है ढककर बॉईल करूँगी।
ये देखिए अभी बारी आती है यहाँ पर हमारे पनीर की। तो पनीर हम कट करेंगे, तो पनीर यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में कट करती हूँ। रेसिपी मैंने आपको दे रखी है, आपने देखा ही होगा। तो ये देखिए इस तरह से पनीर को कट करके ये जो रेड वाला फूड कलर है ये इसमें हम इसको भिगो कर रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला जो है मेरा वो छिल चुका है और अभी मैं यहाँ पर प्याज को कट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इसको रफली चॉप कर लूँगी और उसके बाद सारे ये मसाले को ना मैं फ्राई करूँगी फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, तो कर लेते हैं कट। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने पैन रख दिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। घी हम इसमें ऐड करेंगे मसालों को फ्राई करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें डालेंगे हम जीरा 1 टीस्पून। थोड़ी मेथी निकल नहीं पा रही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये डालेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक और प्याज, ये हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लहसुन प्याज अदरक इन सबको फ्राई कर रही हूँ। तो बस अभी इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बनाऊँगी। और यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं फ्रेंड्स वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं जो है वो उसको पैन से बाहर निकाल लूँगी। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बटर नान बनने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर ये बटर नान के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ये मैंने दही और सूजी को मिक्स करके रखना है और इसमें डालेंगे एक एग, तो वो भी मैं डाल दूंगी। यहाँ पर अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, वॉइल करेंगे करीब आधा कटोरी और इसे भी हम साथ ही मिक्स कर देंगे। ये लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स उन्हें हम मिक्स करके साइड पर रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो भी लगभग रेडी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम हमारे गैस की तरफ। हमारे मसाले जो हैं वो पिस कर रेडी हो चुके हैं। तो बारी आती है यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा डालने की। और अभी मैं इसमें डालूँगी ये मसाले, हाँ जो मैंने दालचीनी गर्म मसाला निकाल के रखा है वो डालेंगे। और अभी मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये शाही पनीर को मैं भगाने आ गई हूँ और अभी डालूँगी इसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्च। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम मसाला। तो बस यहाँ पर ये सारा जो मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया है। और अभी बारी आती है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कहाँ रह जाएंगी भाई। तो बस ये भी डालेंगे बढ़िया सा कलर लाने के लिए हमारे ग्रेवी का। और अभी बस मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर रखूँगी और मसाले को अच्छी तरह से भुनने दूँगी और आटा जो है वो मैं लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 बादाम ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून काजू, तो ये मैं लूँगी। और यहाँ पर मैंने ली है ये खरबूज मिंगी, ये लिए है मैंने 4 टेबल स्पून। तो बस फ्रेंड्स ये लेंगे और इसे हम भिगो कर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 इलायची और ऐड की हैं और पानी जो है हमारा वो भी गर्म हो चुका है, तो वो पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और यहाँ पर जो हमारे टमाटर हैं वो ठंडे हो गए हैं, तो टमाटर की स्किन जो है वो अलग कर देंगे टमाटर से। और सेम जार में जिसमें मैंने मसाले को पीसा है उसी में मैं इस टमाटर को भी पीस लूँगी। तो बढ़िया से ठंडे हो गए हैं ये, तो बस इसका प्यूरी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बटर नान का आटा लगा रही हूँ और जो ये लिक्विड चीज़ें मैंने फूलने के लिए रखी थी वो अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। और अभी जो मैंने ये आटा लिया है इसमें मैं सारा ऐड करूँगी। रही हूँ आटा दूध से। तो ये तो मैं अपनी वीडियो जो आपके साथ रेसिपी है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो ये है। और जो बटर नान मैं बना रही हूँ स्पेशली हमारे बिट्टू के लिए बन रही है, जुनैद के लिए, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट है। और जब भी बच्चे आते हैं तो मैं ध्यान रखती हूँ कि उनकी फेवरेट चीज़ें बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड्स, यही कहूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम आटा लगा लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोग तैयार हैं, इनके पापा, और ये देखिए अभी जी बिल्कुल रेडी हैं, और गाड़ी तो मैंने सुबह धो ही दी थी। तो अभी ये लोग निकल रहे हैं, सोनी बाजी को लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा रेहान दौड़ दौड़ के कर रहा है बाजार के काम, जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं हमारी सोनी बाजी के वेलकम के लिए, मैंने कुछ मंगाया है इससे, तो वही लेने चाहिए जा रहा है। तो बच्चे भी खुशी खुशी लगे अपनी बुआ के आने की, बड़े दिन बाद आ रही हैं। तो बस फ्रेंड्स, अभी जी तो चले गए हैं, अभी लगाते हैं गेट और बन रहा है हमारा खाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा शाही पनीर है लगभग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी बारी आती है यहाँ पर ये पनीर, शाही पनीर मसाला इसमें ऐड करने की। तो बस वही मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ये कसूरी मेथी है, इसे मैं क्रश करके इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए ढककर रखूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो कसूरी मेथी और जो मसाला मैंने डाला है, इसका जो फ्लेवर है फ्रेंड्स, वो आएगा इसको ढक के रखने के बाद, जो इससे भाप निकलेगी ना फ्रेंड्स, तभी इसमें जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आएगा। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम ऐड करूँगी मैं इसमें। तो बस उसके बाद में फ्रेंड्स हम इसे सर्व करेंगे खाने के लिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी कंप्लीट। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो बस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेहान अभी मार्केट गया था, तो वो हम लोगों के लिए ले आया है पोहा। तो अभी हम लोग करेंगे दोनों बहनें नाश्ता। तो यहाँ पर अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, और लगे पड़े थे दोनों के दोनों सफाइयों में कहीं किसी में। तो उज़्मा कर रही थी क्लीनिंग, और बाकी की तैयारियां मेरे साथ करवा रही थी, और यहाँ पर मैंने जो अपनी सब्जी को रेडी कर लिया है, लेकिन साथ ही मैं निकाला है नाश्ता। तो ये देखिए यहाँ पर, ये आज मैंने नहीं बनाया है, ये मार्केट से मंगाया है पोहा। तो ये देखिए गाइज, तो ये हमारा नाश्ता है, अभी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्री हो चुके हैं नहा धोकर, और नाश्ता भी हमारा हो गया है, और सब्जी जो मैंने रेडी करके रख दी है, और आटा मैंने लगा कर रख दिया है, जब आएंगी तभी मैं गर्मा गर्म सेकूंगी तुरंत। तो बस सारी तैयारी है वो हमारी हो चुकी है, और सारी क्लीनिंग भी हो चुकी है, और यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन भी रेडी है, और ये पढ़ रही थी यहाँ पर पर्दे से रिलेटेड सवाल जवाब, तो वही ये बुक पढ़ रही थी। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा, तो बस यहीं पे मैंने अपना वीडियो शूट करने लगी, मैं इनके पास बैठ गई हूँ फ्रेंड्स। सारा वक्त हमारा इसी रूम में निकलता है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, और बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ साथ हमारा सारा टाइम चला जाता है, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ है, और दिन में हम लोग दोनों यहीं पर लेटे रहते हैं। तो हमारी मम्मी कहती हैं कि जब से उज़्मा आई है शाइन, तू तो दिखती नहीं है, तू गायब हो जाती है, और तुझे अब मम्मी का कोई ख्याल नहीं रहता। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, मुझे ये लगता है कहीं उज़्मा बोर ना हो, इसलिए मैं उज़्मा के पास बैठ जाती हूँ। तो बस ये है हमारा, और अभी देखते हैं कि हमारी सोनी बाजी के आने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे मस्ती करते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिलहाल अभी हमारी सोनी बाजी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी उन्हें कॉल किया था कि आई या नहीं आई, निकली या नहीं निकली वहां से, तो उन्होंने बोला कि बस भाभी मैं निकल गई, आ ही रही हूँ। तो मैंने कहा बहुत इंतजार करवा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तो बस आ ही रही हैं अपनी, तो बस और देख ही सकते हैं चेहरे की खुशी। तो बस दोनों भाभियाँ रेडी हैं बिल्कुल अपनी ननद का वेलकम करने के लिए, क्यों उज़्मा है ना देखो हमारी उज़्मा गाय है, इस तरह से सर हिलाती है तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर बारी आती है हमारे सैलेड को रेडी करने की। तो सैलेड जो है वो हमारी छोटी दुल्हन ने कट कर लिया था, और बस लास्ट में मैं उसको थोड़ा सा फाइनल टच दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस पर ये कुछ तिल के दाने हैं फ्रेंड्स, इसको डालने से सैलेड जो है बहुत खूबसूरत लगने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए पास से मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पर ये है हमारे सैलेड का फाइनल लुक, और मैंने इस पर थोड़ा सा ये अनार डालकर इसको गार्निशिंग कर दिया है धनिया पत्ती और इससे। तो बस फ्रेंड्स ये है मेरे सलाद का फाइनल लुक। तो ये देखिए यहाँ पर हबी जी लेकर आ चुके हैं अप्पी को, और ये अंदर एंटर हो रहे हैं। तो बस ये देखिए, तो बस फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर गाड़ी जो है हमारी, ये भी लगा देंगे,
और फिर अप्पी और बिट्टू नीचे उतरेंगे, तब हम करेंगे उनका बढ़िया सा एक वेलकम। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से वेलकम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों भाभियाँ खड़ी हैं अप्पी का वेलकम के लिए। और अभी देख के आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं हम लोगों की खुशी का। तो यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं मोहम्मद जुनैद खान से मिल रही हूँ और यहाँ पर हम दोनों लेकर खड़े हैं छोटे छोटे से पार्टी बम अपने हाथों में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चला दिया ये छोटी दुल्हन हमारी, ये देखिए। और हमारी अभी बहुत खुश हो रही थी, देखिए कितना हंस रही थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। कहती भाभी बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया है तुम लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अभी हम लोगों से मिलेंगी। ये देखिए, सबसे पहले मुझे गले लगाएंगी और ये बहुत प्यार करती हैं मुझसे, तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं। और यहाँ पर अभी उज़्मा से भी मिलेंगी, ये देखिए, और बहुत तरसा के हमको आई हैं ये। तो बस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, मम्मी से मिलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना जो है वो लग चुका है और हमारी सोनी बाजी बच्चों के लिए सर्व कर रही हैं। और आती हैं तो फ्रेंड्स चैन से नहीं बैठती हैं। और देखिए, दोनों भाभी होने के बावजूद भी ये लगी हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोगों का सभी का खाना हो चुका है और बड़े सुकून के साथ यहाँ पर झूले पर बैठकर मैं अप्पी से बातें कर रही हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन, और आज तो मम्मी भी हमारी गार्डन में आ गई हैं, तो मम्मी भी बैठी हैं हमारे साथ ही में फ्रेंड्स। तो बस मैं यही कह रही हूँ कि अप्पी कहाँ चले घूमने, कहीं घूमने चलते हैं, तो बस यही हमारा डिस्कस चल रहा है। तो बस यहीं पर बैठकर सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं और खूब हंसी मजाक। तो छोटी दुल्हन और मैं बात कर रहे थे, पता नहीं किस बात पर हम लोगों को बहुत हंसी आ रही थी छोटी दुल्हन को और मुझे। तो बस अप्पी ऐसी कुछ ना कुछ बात पर हंसा रही हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उज़्मा निकाल रही हैं कोल्ड ड्रिंक और मैं चिकन वॉश कर रही हूँ क्योंकि बनानी है बिरयानी। तो बस अभी चल रही है हमारी ये प्रिपरेशन। और देखिए, अभी चलते हैं गार्डन में फिर से, और बहुत अच्छा लग रहा है अप्पी आ गई है तो गार्डन में ही बैठे हैं हम लोग जब से वो आई हैं। तो अभी वहीं पर जाकर ठंडे ठंडे मौसम में लेंगे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मजा। तो बस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन जो है वो जा रही है अप्पी के पास गार्डन में उनको ये कोल्ड ड्रिंक देने के लिए। तो बस वही यहाँ पर सर्व किए। यहाँ पर हमारे हबी जी बैठक में बैठकर फोन चला रहे हैं फ्रेंड्स। तो बस ये देखिए, तो यहाँ पर बस अभी ठंडा ठंडा हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे सभी लोग। ये देखिए, मम्मी बैठी हैं, ये अप्पी बैठी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे हमारे झूले पर बैठे हैं और हमारा जुनैद है वो भी बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कहते तो मामी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े दिन बाद मैं आपके यहाँ आया हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं गार्डन में खा पी कर, और देखो तो बस यहाँ पर चल रही है कॉमेडी मस्ती मजाक। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए सुहाना सुहाना हमारी सोनी बाजी के आने से। तो बस ये देखिए, यहाँ पर झूला झूल रहे थे हम लोग। तो बस सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।